गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल राइडर्स में। तो आज मैं आप सबको वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, वो भी फ्री वी ब्रेक्स पे। तो ये रही मेरी बाइक फायरफॉक्स बाइक पर, जिस पर कि मैं आपको आज व्हीली का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी ट्रिक करने से पहले आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। हेलमेट पहनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टाइलिश भी लगता है और वो सेफ भी रखेगा, क्योंकि सर बहुत नाजुक चीज़ होती है, इस पर चोट आने पर अभी तो कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखेंगे, बाद में आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलमेट पहन के तैयार हूँ आप सबको वीडी का ट्यूटोरियल देने के लिए। और गाइज, ये ट्यूटोरियल बनाने का मतलब ये नहीं कि हम सबको, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि हमें पूरी ट्रिक आती है, बस ये है कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ये होते हैं कि आप वीडियो का ट्यूटोरियल भी बनाएं। तो हमने सोचा है कि एक इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। हमने रील्स भी डाली है और यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाले हैं वीडियो के ऊपर, बट लोग बोल रहे हैं कि एक प्रॉपर वीडियो, तो आज मैंने सोचा है कि एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं वीडियो के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आगे का गियर होता है और ये पीछे का, तो इसको सबसे पहले आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट गियर पे, इसको फर्स्ट गियर बोलते हैं। और ये आपका शिफ्टर है जिससे कि आप शिफ्ट करके सबसे पहले इस गियर पे ला सकते हैं। और अभी तो मैं व्हीली कर लेता हूँ प्रॉपर, तो मेरा गियर तो सबसे हाई पे है। तो आप लोग बिगिनर हो, जैसा भी जिसके लिए भी वीडियो बन रहा है, तो उनको सबसे पहले यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले आपकी सीट को इतना सेट कर लीजिए कि जितने में आप व्हीली करने में प्रॉपर बैलेंस आ सकें, जिससे कि आपको व्हीली करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इतना हाइट मेरे को, मेरे ख्याल से ठीक है। आपको अपने ब्रेक्स, जो कि मैं आपको वी ब्रेक से सिखा रहा हूँ, तो आपको ब्रेक की ये जो पैड्स होते हैं शू पे, ब्रेक शू, इसको प्रॉपर सेट करके रखना है, जिससे कि आपको व्हीली करने में, जैसे ये चल रहा है ना, व्हीली करने में आपको जब पीछे गिरो आप, तो ये इस लीवर की वजह मदद से आप व्हीली को मेंटेन कर पाएँ और दूर तक व्हीली मार पाए। अभी तो स्पेस बहुत छोटी है जिसमें कि मैं आपको ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत समय से यहाँ पे प्लेस की कोई वो नहीं है, क्योंकि जहाँ भी हम बनाते हैं वीडियो वहाँ पे कॉप्स जो हैं परेशान कर रहे हैं बहुत समय से। तो बस वही, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, व्हीली करने का सबसे पहले ट्रिक ये होती है कि पहले आपको व्हीली को पुल करना आना चाहिए, और पुल करने का मतलब ऐसे झटके से नहीं, इसको सबसे पहले आपको इसको हाथों के प्रेशर से पुल नहीं करना है व्हीली को, जैसे कि बहुत सारे लोग राइडर करते हैं ऐसा करके पुल करते हैं, तो आपको ऐसा पुल नहीं करना है। आपको एग्जैक्ट टाइम पे हैंड के प्रेशर से, और ये अपने राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड साइड यूज़ करता हूँ, तो पहले आपको राइट लेग से ऐसे पुल यूँ करना है पैडल के प्रेशर से। जैसा कि मैंने बताया कि आपको हैंड के प्रेशर से पुल नहीं करना है, तो आप ये सब करते करते आप एक व्हीली मारने लगेंगे, लेकिन वो प्रॉपर व्हीली नहीं होती है। जब आप व्हीली मारेंगे तो आप ऐसे ऐसे चलाओगे, लेकिन बोलते हैं आप पीछे गिर जाओगे, जैसा कि मैंने बताया कि पीछे गिर जाओगे। एक और बार आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप पीछे आओगे। जैसे ही आपने व्हीली मारी, लेकिन आप ब्रेकिंग उस टाइम करते नहीं है, अभी मैं ब्रेकिंग करता हूँ, लेकिन आप व्हीली मारेंगे और आप व्हीली मारते मारते कभी कभी ऐसे पीछे आ जाओगे, जिससे कि आपको चोट का डर है और दूर तक कैरी नहीं कर पाते व्हीली को। तो उसका एक आसान तरीका, आसान तो नहीं, इसको प्रैक्टिस से, आपको बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही चीज़। आपने व्हीली मारी, आप ये व्हीली मार रहे हैं, ये ब्रेकिंग दबाई, ये आ गया भाई, तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये व्हीली मार रहे हैं आप, ये ब्रेकिंग करी, ये आगे व्हीली मार दी, तो ऐसे आप बच सकते हैं। और ऐसा करते करते ऐसा भी नहीं है कि आप एक दो दिन में इसको, इस ट्रिक को मास्टर कर लेंगे, मास्टर करने में इसको बहुत टाइम लग जाता है, इवन मैं भी मास्टर नहीं कर पाऊँ अभी। बस होप नहीं छोड़नी है, और आपको इस ट्रिक को करते रहना है, जिससे कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से आप व्हीली प्रॉपर सीख जाएंगे। हर राइडर को पता है कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही आप उस चीज़ को कर पाओगे, भले वो व्हीली हो या कुछ भी हो। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते करते आपको बातों का ध्यान रखना है कि होप नहीं हारनी है, और रेगुलर ट्रेनिंग सेशन पे जाना है। एक से दो घंटा आपको इस ट्रिक को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपकी व्हीली एकदम प्रॉपर लगे और
आपको आगे चल के दूसरी ट्रिक्स करने में भी आसानी हो, क्योंकि व्हीली एक ऐसी ट्रिक है जिसको करने के बाद बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रिक्स पे करने लगते हैं। जैसे इसमें होता है हाई चेयर व्हीली, लो चेयर व्हीली, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वेरिएशन होते हैं, कॉम्बोज होते हैं, तो वो सब में आप आगे चल के प्रैक्टिस से ईजीली कर सकते हैं। तो गाइस प्रॉपर व्हीली मैं अब आपको बताऊँगा, बट ब्रेकिंग भी एक मात्र सॉल्यूशन नहीं है कि ब्रेकिंग भी, क्योंकि बहुत बार ये होता है ब्रेकिंग सीख जाते हैं लेकिन आपका ब्रेकिंग करते करते बॉडी बैलेंस, जैसे आपने व्हीली मार ली लेकिन ये फिर से जाना, जैसा कि मैंने दिखाया, एक और बार दिखाता हूँ आपको, आपने व्हीली मारी बट आप ब्रेकिंग भी करना सीखे लेकिन ये आपका बैलेंस तिरछा हो जाता है, जिससे कि आप क्रैश करने की ज़्यादा चांसेस हो। तो आपको इस क्रैश से बचने के लिए एक होता है बॉडी बैलेंस जो सीट से आता है, वो मैं बता नहीं पाऊंगा किस तरीके से, क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसर लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि ये हाथ से कभी व्हीली कंट्रोल नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि आप व्हीली मार रहे हैं और ऐसे ऐसे करके कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, उसमें आपको शोल्डर की वजह से ये जो पोजीशन होता है इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं व्हीली को, जिससे कि आप प्रॉपर व्हीली कर सकते हैं। आप मुझे देखिएगा, मैं व्हीली कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों को ना हिलाते हुए बॉडी वेट को हिलाता हूँ, और बॉडी वेट पूरा नहीं हिलाते हैं, सिर्फ शोल्डर को आप हल्का हल्का मूव करेंगे ईजिली यूं तो आप मास्टर कर पाएंगे इस ट्रिक को और आपका बैलेंस आ जाएगा। एक और बार दिखाता हूँ मैं आपको, तो जैसा कि आपने देखा बॉडी बैलेंस, सेकंड ब्रेकिंग, देन बैलेंसिंग, ये सब ट्रिक को आप फॉलो करके आसानी से व्हीली सीख सकते हैं। और आसानी से मतलब ये है कि ट्यूटोरियल देख के नहीं, प्रैक्टिस करके, और अगर इन ट्रिक्स को आप फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप बहुत जल्दी व्हीली करना सीख जाएंगे। तो देखिए आगे की व्हीली, और अब मैं आपको सीट नीचे करके अपनी व्हीली दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ, जिससे कि आप दूसरी ट्रिक्स कर सकते हैं जिसमें व्हीली सर्कल्स होते हैं, डेथ स्पिन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी छोटी स्पेस है तो मैं आपको यहाँ पे सर्कल, डेथ स्पिन और व्हीली दिखाता हूँ। देखिए आपको इस ट्यूटोरियल से थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी, और अगर थोड़ी सी भी आपको लगता है कि आपके लिए ट्यूटोरियल हेल्पफुल था तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो उसे आप अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे और भी ट्यूटोरियल्स, वीडियोज और कॉन्टेंट्स रहते हैं स्टंट राइडिंग के, और शॉर्ट्स भी होते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करें और नीचे स्क्रॉल करके आप हमारी और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट आप दिखा सकते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर जाकर हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं जिस पर हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पर। तो इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए, और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि इसी वीडियो से वो कवर हो जाएं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह के ट्यूटोरियल वीडियोज़ आप अगर और भी चाहते हैं, जिस भी ट्रिक्स के चाहते हैं, अगर हमसे हो सकेगा तो हम उस ट्रिक पर एक ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आएंगे। और इसी तरह ट्यूटोरियल वीडियोस, स्टंट वीडियोस, मॉडिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें, ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अनस्टॉपेबल राइडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग आउट, पीस।